मुश्किल चिल्ड्रन, ये रिवीजन आपका वाच्य के ऊपर है, ये एमसीक्यू है। अभी एमसीक्यू में ही आपको आंसर देना होगा। सो जो भी सही ऑप्शन आपको लगे उसी के, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू जितना सरल होता है लेकिन उतना ही टफ भी है, क्योंकि ज़रा सी भी चूक होने पर आपका आंसर गलत हो सकता है। सो पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में सही का चुनाव करो। तो कौन सा वाक्य सही है वो आपको बताना है। कर्तरीवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, या भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगाई जाती है। फोर्थ है, कर्तरीवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में भाववाच्य की पहचान करो। चार वाक्य हैं, उनमें कौन सा भाववाच्य का वाक्य है वो बताना है। कुली से सारा सामान नहीं उठाया जा सका, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब यहाँ से चला जाए। फोर्थ है, प्रेमचंद ने गोदान लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है, सही वाक्य पर सही का निशान लगाओ। क है कर्मवाच्य में क्रिया, हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है, मीन्स कोई भी कारण से वो बदलती नहीं है। दूसरा है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है, कर्तरीवाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है, या सभी विकल्प गलत हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रोगी से पानी नहीं पिया जाता। वाक्य कर्तरीवाच्य में बदलो, मीन्स कर्तरीवाच्य में बदल करके वाक्य क्या बनेगा वो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। रोगी द्वारा पानी नहीं पिया जाता, रोगी पानी नहीं पी सकता, पानी रोगी से नहीं पिया जाएगा, या फोर्थ है कि सभी विकल्प गलत हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में कर्मवाच्य का सही उदाहरण पहचानो। कर्मवाच्य, बच्चा आज नहीं दौड़ा, बच्चे से आज नहीं दौड़ा गया, हम लोग सारी रात जागेंगे, या ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाए गए। तो इसमें कर्मवाच्य का सही उदाहरण कौन सा है वो आपको बताना है। स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से करना और वैसे ही प्रैक्टिस करना, नहीं तो गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे। नमो शिवाय।